Prime Minister Narendra Modi on Sunday described early 18th century Sikh military commander Banda Singh Bahadur as a great warrior and said farmers for the first time got their rights and the common man felt empowered due to his efforts. Modi at a function organized to mark the 300th anniversary of the Sikh military commander's martyrdom said, Banda Bahadur ji, ek mahan yodha hone ke saath saath सामान्य मानवी के प्रति अत्यंत संवेदनशील ऐसे प्रशासक के रूप में इतिहास पर अपना नाम अंकित करके गए He further added, बंदा सिंह बहादुर के शासन में पहली बार पंजाब की धरती पर गरीब किसान जमीन का मालिक बना जो बोए वही खाए ये सिद्धांत को बंदा सिंह बहादुर ने किसानों को उनका अधिकार वापस लौटाया बंदा सिंह जानते थे कि अगर गरीबों का उत्थान करना है तो उन्हें अधिकार देना ही होगा वो किसानों की आर्थिक आजादी के पक्षधर थे जो आज समाजवादी विचारधारा की चर्चा करते हैं बंदा सिंह के शासनकाल के एक एक निर्णय को देखेंगे तो समाज के सामान्य मानवी को एम्पावर कैसे करना उसके भीतर विकास की अलख कैसे जगाना और सामान्य मानवी की शक्तियों के भरोसे पूरे मुल्क को आबादी की ओर कैसे ले जाना ये बंदा सिंह जी की पूरे शासनकाल के हर निर्णय के भीतर हम महसूस करते थे द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो रिलीज्ड अ बुक ऑन द सिख वॉरियर पंजाब चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल वर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द ओकेजन Last month, Union Finance Minister Arun Jaitley had released a commemorative silver coin marking Banda Singh Bahadur's 300th martyrdom day. IANS report.